बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर उनको इवेल्यूएट करना सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे सिंपल इवेल्यूएशन है। यहाँ पे एक वालिस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उसके अलावा सारी सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये कॉट की पावर 4x dx है। अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के लिए जब दिया जाता है तो आपने उसमें करना ये होता है कि सबसे पहले तीन में से कोई एक ऑप्शन को आपने डेवलप करना होता है। या तो सिंपलीफाई करके ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फार्मूला है वो यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल, या फिर आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे फंक्शन एंड इनटू इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरा केस है कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में फंक्शन को ब्रेक कर दें। एंड द थर्ड वन इज के आपने ब्रेक करने के बाद बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगानी होती है। तो इसके अलावा रिडक्शन फार्मूला भी आपने देखा चैप्टर 4 में, जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस किए रिडक्शन फार्मूला, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर बड़ी आ जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 कुछ ऐसी पावर आ जाए, तो एट दैट मोमेंट हम रिडक्शन फार्मूला फॉर्म करते हैं और उस रिडक्शन फार्मूला की हेल्प से इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करते हैं। यहाँ पे मोस्टली रिडक्शन फार्मूला का ही काम है, बट हम रिडक्शन फार्मूला के अलावा भी, क्योंकि रिडक्शन फार्मूला याद करना समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वैसे इवेल्यूएट तो आपको करना ही पड़ता है। तो सो जनरल रूल्स को अगर आप फॉलो करें तो दैट इज़ मच बेटर। तो अब ये कॉट की पावर 4 है, अगर तो स्केयर तक होता फिर तो हम सिंप्लीफाई करते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर पावर स्केयर तक हो तो फिर सिंप्लीफिकेशन वाला रूल अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर स्केयर से बड़ी पावर हो तो एट दैट मोमेंट आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में, या ब्रेक करके बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ती है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, कॉट स्केयर एक्स इनटू कॉट स्केयर एक्स। अब कॉट का डेरिवेटिव कॉट नहीं होता, बट कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्केयर ज़रूर होता है, तो हम इसे तोड़ देते हैं पाई बाय 2 कॉट स्केयर एक्स। इसको हम लिखते हैं कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस 1 इनटू डी एक्स, राइट। तो हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, कॉट स्केयर के ऊपर स्केयर आइडेंटिटी यूज़ की, दैट इज़ कोसिकेंट स्केयर एक्स माइनस 1। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, कॉट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, एंड देन वी चेक द फॉर्म कि कौन सी फॉर्म यहाँ पे बन रही है, पाई बाय 2, ये मैं स्केयर को होल स्केयर कर देता हूँ ताकि ज़रा समझने में आसानी हो, और 1 के साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कॉट स्केयर एक्स को सीकेंड, कॉट का डेरिवेटिव अगर आप चेक करें तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंड स्केयर होगा, राइट। ये तो अब डेरिवेटिव बनाने में एक चीज़ की कमी है, नेगेटिव साइन इज मिसिंग, तो हम माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये अंदर बाहर माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स इंटू डी एक्स। एंड इसको एक दफ़ा फिर आपने क्या करना है, स्केयर आइडेंटिटी के सपुर्द कर देना है, दैट इज को सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट। तो अब आप ये नोट करें कि ये कॉट फंक्शन है एंड दिस वन इज इट्स डेरिवेटिव। तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी कोई फंक्शन पावर कॉन्स्टेंट के साथ हो अदर देन माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं, पावर एडिंग रूल अप्लाई करते हैं। पावर में एक ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस सी अगर तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब यहाँ पे देखें फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव, तो व्हाट वी डू ओवर हेयर, कॉट एक्स की पावर 3/3 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 माइनस को सीकेंड स्केयर का आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का एक्स आ जाएगा, और ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक, राइट। तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया, इसमें प्लस सी नहीं लगाते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल में नो नीड ऑफ दैट। अगर लगा भी देंगे तो वो जब अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू माइनस कॉट क्यूब एक्स 1/3 को आउटसाइड ले जाएं, पाई बाय 4 से पाई बाय 2
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा पाई बाय फोर से पाई बाय टू। नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपने एक्स की जगह पे अपर लिमिट को यूज़ करना है, कॉट क्यूब की पाई बाय टू माइनस कॉट क्यूब की पाई बाय फोर, यह आ गया माइनस कॉट पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू। ये भी अपर लिमिट पुट हो रही है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे, एंड देन लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करनी है जहाँ पे एक्स है, पाई बाय फोर माइनस पाई बाय सॉरी प्लस पाई बाय फोर, राइट। तो ये हमने सब्सिट्यूशंस की लिमिट को अपर माइनस लोअर लिमिट को यूज़ किया। आफ्टर दैट आपने करना ये है माइनस वन बाय थ्री कॉट पाई बाय टू जीरो कॉट पाई बाय फोर वन, राइट, माइनस कॉट पाई बाय टू जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस कॉट पाई बाय फोर है वन प्लस पाई बाय फोर। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड, राइट। तो ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय टू प्लस वन प्लस पाई बाय फोर, तो ये माइनस पाई बाय फोर आ जाएगा। एलसीएम ले लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। अच्छा जी, अब इसमें भी कॉट और कोसिकेंड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक करेंगे फंक्शन इंटू डेरीवेटिव में, बट कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर अलग किया तो एक कोसिकेंड रह जाएगा, उसके डेरिवेटिव की परेशानी बन जाएगी। तो सो अब हम कोसिकेंड का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कि कोसिकेंड का डेरिवेटिव क्या आता है। माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स, तो लेट सी, इट इज क्वाइट सिंपल। इसमें अब हम ये करेंगे कि एक एक दोनों में से अलग कर लेंगे, राइट। ये जस्ट रूल फॉलो करें कि किस तरह, मेन आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव में आपने ब्रेक करना है। तो आप दो तीन दफ़ा ब्रेक करके देख लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा। तो आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू मेक क्विक गैस। अच्छा जी, अब आपके पास है कॉट स्केयर इंटू कोसिकेंड स्केयर, एक एक दोनों में से अलग करके साइड पे कर दिया। अब ये कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स किसका डेरीवेटिव है, कोसिकेंड का। अब हम स्केयर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कॉट स्केयर पे, राइट। तो अब इस पर हम स्केयर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, पाई बाई टू कोसिकेंड स्केयर माइनस एक्स कोसिकेंड स्केयर एक्स माइनस वन इंटू कोसिकेंड स्केयर एक्स कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, राइट। तो नाउ यू कैन सी कोसिकेंड फंक्शन है, कोसिकेंड फंक्शन है और आगे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो वी मेक सब्सिट्यूशन, पुट कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव लें, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस को उस साइड पर ले जाएं, तो कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। अब आपने लिमिट्स को भी चेंज करना है, तो वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर यहाँ पे पुट करें तो ये कोसिकेंड वन ओवर साइन होगा, वन ओवर अंडर रूट टू, तो ये स्केयर रूट टू आ जाएगा। तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू। और वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो कोसिकेंड वन ओवर साइन वन की इक्वल होता है, तो टी की वैल्यू वी विल गेट व्हाट, वन। तो अब ये वैल्यूज आ जाएंगी, आप देखिएगा लिमिट भी चेंज हो जाएगी, इसमें बैक सब्सिट्यूशन नहीं करनी पड़ती। पहली स्केयर रूट टू है उससे वन तक है, और ये आ गया टी स्केयर माइनस वन इंटू टी स्केयर, और ये माइनस डी टी आ जाएगा, राइट। माइनस को आउटसाइड द इंटीग्रल लें बिकॉज इट इज टेकन एज कॉन्स्टेंट, तो माइनस को बाहर ले आते हैं, माइनस अंडर रूट टू से वन टी स्केयर माइनस वन इंटू टी स्केयर डी टी। टी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस अंडर रूट टू से वन टी की फोर माइनस टी स्केयर इंटू डी टी। पावर एडिंग रूल अप्लाई करें तो इट इज़ व्हाट, टी की फाइव बाय फाइव माइनस टी की थ्री बाय थ्री अंडर रूट टू से वन। अपर माइनस लोअर लिमिट यूज़ करें तो ये आ जाएगा आपके पास वन बाय फाइव माइनस वन बाय थ्री और अंडर रूट टू की पावर फाइव बाय फाइव माइनस अंडर रूट टू की पावर थ्री बाय थ्री, राइट। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब ये आपके पास टेन की पावर फाइव है, दैट इज क्वाइट बिग पावर। तो अच्छा जी, अब ये आपके पास एक टेन में क्वेश्चन है, पावर काफ़ी बड़ी है, तो इसमें बार बार हमें रूल को फॉलो करने से बेहतर है कि रिडक्शन फार्मूला हम याद कर लें और रिडक्शन फार्मूला को
यूज़ करते हुए हम प्रोसीड करें, उसके लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टू, डी एक्स बाई टू, टू डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसमें लिमिट व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स जब ज़ीरो है तो पुट करें थीटा भी ज़ीरो आ जाएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा को चेक करें पाई बाई फोर आ जाएगा, राइट। इधर एक्स की जगह पे पाई बाई टू, तो एक टू आ रही थी, तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, राइट। अब ये सब्सिट्यूशंस करें और देखें फिर क्या आता है, ज़ीरो से पाई बाई फोर हो जाएगी लिमिट, एंड दिस इज टेन फाइव थीटा टू डी थीटा, टू को हम आउटसाइड ले जाते हैं, ज़ीरो से पाई बाई फोर टेन फाइव थीटा डी थीटा। नाउ अप्लाई रिडक्शन फार्मूला, तो कैसे अप्लाई होगा ज़रा चेक करिएगा, टेन एक लेस हो जाएगी पावर फोर थीटा डिवाइडेड बाई फोर, ज़ीरो से पाई बाई फोर माइनस ज़ीरो से पाई बाई फोर टेन, थ्री आ जाएगा फाइव माइनस टू, एन माइनस वन है तो फाइव माइनस वन फोर ओवर फोर, फिर एन माइनस टू है तो ये फाइव माइनस टू थ्री हो जाएगा डी थीटा, राइट। अगेन इस पर रिडक्शन फार्मूला यूज़ करें बिल्कुल सिमिलर वे से, तो यह आ जाएगा टेन थीटा ज़ीरो से पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा, ये थ्री माइनस वन टू बाय टू आ जाएगा, फिर ये माइनस इनटू माइनस, बल्कि इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ज़ीरो से पाई बाई फोर माइनस ज़ीरो से पाई बाई फोर, तो थ्री माइनस वन ये टेन थीटा रह जाएगा डी थीटा आ गया, राइट। तो ये हमने रिडक्शन फार्मूला टू टाइम्स यूज़ किया, तो अब अपर माइनस लोअर लिमिट करें तो ये आपके पास आ जाएगा टेन पाई बाई फोर वन माइनस ज़ीरो, माइनस ये भी वन माइनस ज़ीरो, एंड दिस इज माइनस एल एन ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन ओवर कॉस, कॉस थीटा ज़ीरो से पाई बाई फोर, राइट। तो इसको अब आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है, तो दिस इज व्हाट टू इनटू वन माइनस वन माइनस एल एन ऑफ कॉस थीटा ज़ीरो से पाई बाय फोर, वन और वन कैंसिल हो गए, तो एल एन ऑफ कॉस पाई बाय फोर माइनस एल एन ऑफ कॉस ज़ीरो, यह आपने अपर माइनस लोअर लिमिट कर दी। आफ्टर दैट क्या होगा, माइनस टू एल एन ऑफ वन ओवर अंडर रूट टू माइनस एल एन ऑफ वन, एल एन ऑफ वन ज़ीरो आ जाएगा, माइनस टू एल एन ऑफ वन माइनस एल एन ऑफ अंडर रूट टू माइनस ज़ीरो, लॉग ऑफ वन अगेन ज़ीरो के इक्वल होगा, तो ये वन बाई टू एल एन ऑफ टू, तो टू टू से कट गया, तो द फाइनल आंसर इज़ एल एन ऑफ टू। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो अलजेब्रिक है, लेकिन उसको भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को इवेल्युएट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के। अब आपने करना ये है कि इसमें ना सबसे पहले लिटिल बिट सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो सिंप्लीफिकेशन क्या है, साइन फोर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स का होल स्केयर और वन प्लस कॉज एक्स का होल स्केयर डी एक्स। इसके बाद आपने करना कुछ यूं है कि वन माइनस कॉज स्केयर एक्स का होल स्केयर करेंगे डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉज एक्स का होल स्केयर इनटू डी एक्स। अब ये वन का स्केयर कॉज का स्केयर, जीरो से पाई, वन माइनस कॉज इंटू वन प्लस कॉज एक्स स्केयर, दोनों पे ये होल स्केयर एज इट इज़ रहेगा दोनों पे, वन प्लस कॉज एक्स का होल स्केयर डी एक्स, राइट। अब इसको कैंसिल कर दें तो यू विल गेट व्हाट, जीरो से पाई, वन माइनस कॉज का फार्मूला ओपन कर दें, वन का स्केयर प्लस कॉज स्केयर एक्स माइनस टू कॉज एक्स इनटू डी एक्स। अब देखें स्केयर का हमें इंटीग्रल नहीं आता कॉस स्केयर का, तो सो वी अप्लाई डबल एंगल फार्मूला, तो कॉस स्केयर का ना पावर रिडक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूलाज आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए अच्छे से, देन ही आप इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के काबिल होंगे। ये आ गया कॉस स्केयर का फार्मूला, वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू, ये कॉस स्केयर अल्फा किसके इक्वल होता है, वन प्लस कॉस टू अल्फा,
डिवाइडेड बाई टू, और साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, वन माइनस कॉस टू अल्फा बाई टू, माइनस टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये आ जाएगा थ्री प्लस कॉस टू एक्स माइनस फोर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको लिखेंगे थ्री वन का इंटीग्रल एक्स जीरो से पाई, कॉस का इंटीग्रल साइन टू एक्स बाय टू जीरो से पाई, माइनस फोर कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स, और लिमिट है जीरो से पाई। तो अब स्ट्रेट अवे आपने अपर माइनस लोअर लिमिट करनी है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जस्ट ये थ्री पाई आंसर आएगा, राइट। ये अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, ये साइन टू पाई, साइन टू पाई भी जीरो होता है, और साइन जीरो पुट करेंगे साइन जीरो भी जीरो, साइन पाई भी जीरो तो जीरो पुट करेंगे साइन जीरो भी जीरो, तो वो सारे जीरो हो जाएंगे, इधर पाई माइनस जीरो आएगा तो थ्री इंटू पाई आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, सो दैट कि इसके आगे यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो एट दैट मोमेंट आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करनी है। तीन तरह के सब्सटीट्यूशन है इस फॉर्म के लिए, जो सब्सटीट्यूशन है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एंड इफ दिस इज ऑफ दिस फॉर्म तो देन एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और अगर बीच में प्लस आ रहा है तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास तीन फॉर्म्स हैं और तीन सब्सटीट्यूशंस हैं, लेकिन अगर आगे डी एक्स के साथ यहाँ पे अगर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एट दैट मोमेंट आप डेरीवेटिव कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद आप डेरीवेटिव लें, एक्स का डी एक्स आ जाएगा ए साइन का कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पुट करें तो ये ए जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो जीरो होगा, राइट। तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लाइकवाइज आपने ए पुट करना है वेन एक्स इज इक्वल टू ए, ए पुट करके देखिए, देखें ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए ए से कट के वन आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाय टू, राइट। तो ये आपने थीटा को लिखना है यहाँ पे पाई बाय टू। अब सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करें एंड यू विल सी के आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की फाइव बाय टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। वन माइनस साइन स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर दें। अच्छा, यहाँ पे ए आ रहा था तो ए हमने पुट करना है, ए स्केयर यहाँ पे भी ए स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर को आप कॉमन निकाल लें, ए स्केयर इंटू वन माइनस साइन स्केयर थीटा होल पावर फाइव बाई टू, एंड दिस इज ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। वन माइनस साइन स्केयर थीटा को अगर आप देखें तो इट इज वट, जीरो से पाई बाई टू ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा की फाइव बाय टू इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, स्केयर कैंसिल होके ये कुल मिला के हम लिखते हैं ये ए की पावर सिक्स बाहर आ जाएगा, राइट। इसको चेक कर लीजिएगा, टू टू से कैंसिल हो गया, फाइव और वन सिक्स हो जाएगी पावर, तो कॉस की पावर सिक्स थीटा डी थीटा आ गया। अब आपने वॉलिस फार्मूला देखना है यहां पर कि जब कभी भी ये फॉर्म आ जाए, जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू एंड साइन या कॉस का फंक्शन आ जाए, तो आपने ये फार्मूला याद करना है, राइट। ये है आपके पास जीरो से पाई बाय टू साइन एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर अप टू सो ऑन, यह आ जाएगा वन टू इंटू पाई बाई टू इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, और ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास बिल्कुल बाकी एज इट इज एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू सो ऑन, इधर आ जाएगा थ्री वन
बस इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, राइट। तो ये आपने फार्मूला याद करना है। सेम फॉर कॉज, ये साइन के लिए हमने लिखा है, कॉज के लिए भी यही फार्मूला है। तो दिस इज वाली फार्मूला, बेसिकली वाली ने पाई बाई टू की एक प्रोडक्ट फॉर्म कैलकुलेट की थी, तो उसमें इन इंटीग्रल्स को उसने यूज़ किया था। तो ये रिडक्शन फार्मूला लगा के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम रिजल्ट, साइन हो या कॉज हो मेक्स नो डिफरेंस, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिक्स है पावर, तो इवन पावर है, तो इसको ज़रा देखते हैं कि वालिस फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे। ये आपके पास सिक्स, एक लेस करें फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, एंड इवन केस में आपने पाई बाई टू से मल्टीप्लाई भी करना है, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप ऊपर नीचे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये भी आप देखिए, आपके पास ना प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बन रही है, एक्स नहीं, यहाँ पे इवन पावर्स के साथ है, तो सेम इज द सब्स्टिट्यूशन। आपने यहाँ पे भी जो तीन फॉर्म्स हैं उनमें से एक ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाली फॉर्म है, तो ए की जगह यहाँ पे वन है आपकी बार, तो ये एक्स इक्वल टू साइन थीटा करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, व्हेन एक्स इज जीरो, जब एक्स जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो पुट करें, साइन इनवर्स जीरो जीरो आ जाएगा, राइट। और जब एक्स को वन पुट करेंगे तो वन साइन इनवर्स वन पाई बाई टू, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू आ जाएगी। जीरो से पाई बाई टू, तो ये आ जाएगा साइन सिक्स थीटा ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। जीरो से पाई बाई टू साइन सिक्स थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये कैंसल हो गया। जीरो से पाई बाय टू साइन सिक्स थीटा कॉस थीटा अवर कॉस थीटा, तो कॉस को कॉस से कैंसिल आउट कर दें। तो अब आप देखें स्ट्रेट अवे हमारे पास वाली फार्मूला ही बन चुका है, तो इस पे हम वाली फार्मूला, ये साइन हो या कॉस हो मेक्स नो डिफरेंस, साइन कॉस के लिए सेम रूल है, आप इसकी डेरिवेशन अगर करें तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि इनके रिडक्शन फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और इवन पावर के केस में पाई बाई टू भी साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आंसर है इसका। तो दीज आर क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस, जस्ट आपने फॉर्म बना के वालिस फार्मूला से इसको इंटीग्रेट कर देना होता है। अच्छा जी, अब ये है आपके पास साइन फोर टू एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, पुट टू एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये टू आ रहा है ना, जो टू एक्स सिंपल थीटा होता तो वालिस फार्मूला लगा देते, तो x इज इक्वल टू थीटा बाय टू डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाय टू। अब आपने क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो थीटा इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू पाई बाय फोर, यहां पे पाई बाय फोर पुट करें तो टू कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा जीरो से पाई बाय टू साइन फोर थीटा डी थीटा बाय टू, तो टू को बाहर निकाल लें वन बाय टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाय टू जीरो से पाई बाय टू साइन फोर थीटा डी थीटा। अब इस पर वालिस फार्मूला अप्लाई करना है स्ट्रेट अवे, यह आ जाएगा फोर थ्री टू वन एंड दिस इज व्हाट पाई बाय टू। लाइक वाइज इसमें थ्री एक्स को पुट करेंगे, पुट 3x इज इक्वल टू थीटा या x इज इक्वल टू थीटा बाय 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाय 3। व्हेन x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, जब x क्या होगा पाई बाय 2 होगा, तो थीटा कितना होगा 3 पाई बाय 2, राइट। ये 3 पाई x की जगह पाई बाय 2 पुट करें, अब ये आपके पास जो लिमिट बनेगी 0 से 3 पाई बाय 2 आ जाएगी एंड साइन सिक्स थीटा डी थीटा बाय थ्री, इसको आउटसाइड कर लें, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा वन बाय थ्री जीरो से पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू साइन सिक्स थीटा डी ऑफ थीटा। अच्छा, एक बात आप जहन में रखिएगा
कि अगर ये 3π/2, ये इसमें ना अगर 3π/2 माइनस थीटा करें और ये फॉर्म चेंज ना हो तो 3 को हम शुरू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, वो थ्योरम से। तो अब आपने ये जो 3 है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो यह आ जाएगा 3/3 0 से π/2 साइन 6θ d थीटा, राइट। ये हमने बेसिकली थ्योरम यूज़ किया है, ये थ्योरम है आपके पास, 0 से n a f ऑफ x डी एक्स इक्वल होता है n टाइम 0 से a f ऑफ x डी एक्स, और इसमें एक कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, कि वो कंडीशन क्या है कि आपने ये जो अपर लिमिट होती है ना इसे आपने a जो है इसे a माइनस x करें तो वही फॉर्म आए। तो अगर ये पाई बाई टू माइनस थीटा करें तो कॉज आ जाएगा, कॉज और साइन वाले इस फार्मूला के लिए सेम टू सेम है। तो अब 3 से कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर भी वाली इस फार्मूला लगा दें, 6π/4 3/2 1 एंड दिस इज π/2, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं, पहले 4x को सब्सिट्यूट करेंगे, पुट 4x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू थीटा बाय 4 आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाय 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करें तो थीटा आपके पास 0 आता है, और जब x आप पाई बाय 8 पुट करेंगे तो थीटा आपके पास डेफिनेटली पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि 4 2 8। अब ये i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 5θ cos 4θ d थीटा बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 0 से पाई बाय 2 साइन 5θ इंटू कॉस 4θ डी थीटा। तो अब इसमें से ना एक साइन आप ब्रेक कर लें, 1/4 0 से पाई बाय 2, बल्कि इसको ना इसको साइन में चेंज कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक किसी में चेंज करना होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर डी थीटा, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, देखें इसमें ना कॉस स्केयर का स्केयर किया, कॉस स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया और होल स्केयर एज इट इज आ गया। After that आपने यहां पे स्केयर का फार्मूला एक्सपेंड कर देना है, 1/4 इंटू 0 से पाई बाय 2 साइन 5θ इंटू 1 प्लस साइन 4θ माइनस 2 साइन स्केयर थीटा डी थीटा। अब साइन 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें और वाली इस फार्मूला यूज करें, यह आ जाएगा साइन 5θ प्लस साइन 9θ माइनस 2 साइन 7θ इंटू डी ऑफ थीटा। वाल इस फार्मूला आपने यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये ऑड पावर है तो 5 4 3 2 1 बस अवर, प्लस ये भी अब आपके पास आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड दिस इज 7 पावर, तो 2 × 7 6 5 4 3 2 1। तो इसमें पाई बाय 2 नहीं लगाते, अगर ऑड पावर हो तो ये आपने क्या किया, वालिस फार्मूला लगा के इसका रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया। अच्छा जी, अब ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं, इसमें 2x को सब्सिट्यूट कर दें तो आपके पास वाली फार्मूला वाली फॉर्म बन जाएगी, डी थीटा बाय 2 व्हेन एक्स इज 0, 0 पुट करें तो थीटा भी 0 आ जाएगा, एक्स जब पाई बाय 4 है तो थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 कॉस स्केयर थीटा डी थीटा बाय 2, 1/2 0 से पाई बाय 2 कॉस स्केयर थीटा डी थीटा। अब इसका फार्मूला अप्लाई करें, 2 1, और ये इवन पावर है तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई भी होगा, तो इट इज़ पाई बाय 8, पुट 3x इज इक्वल टू थीटा डी थीटा बाय 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0 थीटा इज 0 x पाई बाय 6 थीटा पाई बाय 2 आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा बाय 3
वन बाई थ्री को बाहर लें, कॉन्स्टेंट है तो जीरो से पाई बाई टू आ गया कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। इस पर फार्मूला अप्लाई करने हैं अब वालिस फार्मूला, तो इट इज़ 3 to 1 राइट, और ये ऑड पावर है तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये 2/9 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्म नहीं बन रही। 1 - sin² x ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, इनको अलग अलग डिवाइड करें, 1 ओवर sin x - sin² x ओवर साइन एक्स राइट डी एक्स, तो एक साइन कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा पाए बाय 6 से पाए बाय 2 कोस सीकेंड एक्स, और ये आ गया साइन एक्स डी एक्स, एल एन ऑफ कोस सीकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स पाए बाय 6 से पाए बाय 2 और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आ जाएगा पाए बाय 6 से पाए बाय 2 तक। अब अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे, एल एन ऑफ कोस सीकेंड पाए बाय 2 माइनस कॉट पाए बाय 2 माइनस एल एन ऑफ कोस सीकेंड पाए बाय 6 माइनस कॉट पाए बाय 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा कॉस पाए बाय 2 माइनस कॉस पाए बाय 6, तो कोसेकेंट पाए बाय 2 ये आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0, कॉट पाए बाय 2 0 होगा एंड दिस इज अंडर रूट 2 माइनस 0 राइट, तो ये तो कट के 0 हो गया, तो द अल्टीमेट आंसर इज कॉस पाए बाय 2 0 एंड दैट इज कॉस पाए बाय 6 1/2, तो आंसर इज 1/2 माइनस 1/2। ठीक जी, अब ये आपके पास है 6x और ये 3x, तो हम 3x को क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, पुट 3x इज इक्वल टू थीटा एंड x इज इक्वल टू थीटा बाय 3 डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा बाय 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, एक्स पाए बाय 2 है जब तो थीटा 3 π/2 होगा इन दिस केस, I इज इक्वल टू 0 से 3 π/2 साइन स्केयर 2 थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा बाय 3, इस 3 को भी नीचे लें 3 by 3 0 से पाए बाय 2, तो ये साइन स्केयर 2 थीटा है ना, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया कॉस 4 थीटा डी थीटा और इसका स्केयर। अब आपने करना ये है 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 0 से पाए बाय 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, इस साइन स्केयर को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें कॉस में, तो आई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से पाए बाय 2 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा, ये कॉस 6 तो ये कॉस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से पाए बाय 2 कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा डी थीटा। तो आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं अल्टीमेटली अगर वो साइन और कॉस में, तो हमने पूरी एफर्ट की 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट के साथ, अगर साइन और कॉस में तो हमने पूरी ट्राई की कि वालिस फार्मूला को हम यूज़ कर सकें, वालिस फार्मूला इज सेम फॉर साइन एज वेल एज कॉस, कॉस एन ओ या साइन ओ इसके लिए फार्मूला सेम टू सेम है। तो 4 अब इसको एक्सपेंड करें 6 5 4 3 2 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड पाई बाई 2, तो दिस इज आंसर।